हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ऐसी रेसिपी जिसे खाना बड़े बूढ़े और बच्चे हर कोई पसंद करता है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच सफ़ेद वाला तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया, नमक स्वाद के अनुसार लेना, 1 चम्मच शक्कर और जो सूखा हुआ नारियल होता है ना उसे इस तरह से मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया। अब इसे हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे ना हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट करने से क्या होता है ना, हमारे जो मसाले हैं ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो हम इसे कुछ दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बस जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, हमारे जो मसाले हैं वो अच्छा खासा भून चुके हैं, तो बस इसे मैंने निकाल लिया। और इसी के साथ मैं ले ली हूँ नमकीन। नमकीन में ना ज़्यादातर जो बेसन वाले नमकीन होते हैं ना उसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे पास जो भी बेसन और नमकीन दाल वाले नमकीन थे वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। उससे भी ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। और साथ में जो भी मसाले हमने रोस्ट किए थे उसे ठंडा करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और फिर थोड़ा सा गरम मसाला ले रही हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, इससे थोड़ा सा ये ना तीखा भी बन के तैयार होता है, तो खट्टा मीठा तीखा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे नमक जो मैंने लिया था 1/2 चम्मच वो भी ऐड कर दे रही हूँ और इसके साथ शक्कर भी ऐड कर दे रही हूँ। तो इन सबको ना हमें मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ना एक फाइन पाउडर बना लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसे पाउडर बनाना है, बस हल्का सा दरदरा सा रहे, वरना जो हमारा नमकीन और मसाले हैं वो सारे तेल छोड़ देते तो ये बड़ा चिपचिपा सा बन के तैयार होता है। और यहीं पर मैंने ले लिया है मैदा, तो ये 1/2 किलो मैदा मैंने लिया है। इसमें भी नमक मैं बहुत ही कम यूज़ की हूँ और इसी के साथ थोड़ा सा ना हमें अजवाइन हाथों पर इस तरह से मसल के डाल देना है। और मैं यहाँ पर तेल ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 कलछी तेल इसमें ऐड किया है, जो कलछी से हम दाल वगैरह निकालते हैं ना वही नॉर्मल हमारे घर की। और मैं आगे आप लोग को बताऊंगी कि तेल की जो मात्रा है ना वो किस तरह से बराबर हमें रखना है, तो बिना मेजरमेंट के। तो ये देखिए मैंने 1 कलछी तेल डाला था, लेकिन यहाँ पर मैं लड्डू बना रही थी ना तो ये लड्डू नहीं बन रहा था, इसका मतलब हमें और भी तेल की ज़रूरत है, तो 2 कलछी मैं और तेल ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 1/2 किलो मैदे में 3 कलछी तेल ऐड किया है। तो इसे अब हम ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, दोनों हाथों से ना हमें इस तरह से मिक्स करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तो आप इसे खूब अच्छे से मिक्स करिए, तो ये ना बड़ा अच्छा मोइन बन के तैयार होता है। तो अब देखिए जैसे मैं ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बस हाथ से मैं दबा रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छा सा लड्डू बन गया और ये बिल्कुल भी नहीं फूट रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो तेल की क्वांटिटी थी वो परफेक्ट है। तो अब बस हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ना इसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे जो डो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है, मीडियम, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से हमें यहाँ पे डो रखना है। तो बस थोड़ा सा और मैं इसे मसल ले रही हूँ और ये हमारा डो बन के अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो बस थोड़ा सा डो ले के और इस तरह से इसके ना बराबर करके, तो यहाँ पे आप जो रोटी बनाने वाला चकला होता है उस पर भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही बना ले रही हूँ। तो इस तरह से बराबर बराबर पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है और इसका एक पेड़ा बना लेना है। और ये देखिए इस तरह से नीचे बेस पे ना आप थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, तेल लगाने से क्या होता है कि जो हमारा मैदा है ना वो नीचे नहीं चिपकता है। तो बस लंबा लंबा सा हमें इसे रोटी बना लेनी है, रोटी की तरह गोल नहीं बनाना है, बस इस तरह से लंबे लंबे, क्योंकि समोसे के लिए लंबा सा ही हमें बेलना पड़ता है। तो चाकू की हेल्प से अब मैं इसे कट कर दी हूँ और थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से, और अंगूठे की मदद से ना हमें इसे बेस, अंगूठा जो है उसे बेस बना लीजिए और इस तरह से कोना बना लेना है और नीचे से अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि कोना वगैरह जब हमें ना फ्राई करें तो खुले ना। तो बस इसी तरह से हमें समोसे की शेप दे देनी है। तो अब हम इसमें जो भी हमारे मसाले तैयार किए थे वो सब इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना वरना जो हमारा समोसा है ना वो खुल जाएगा। तो चारों तरफ पानी लगा के मैं इसे लॉक कर दूँगी। तो बड़े ही सिंपल तरीके से ये जो हमारा समोसा है ना, मिनी समोसा, ये बन के तैयार होता है और ये चाय के साथ खाने में ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा समोसा बन गया है।
तो अब जो दूसरा वाला पार्ट था ना, तो मैदा है ना, तो मैदा क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसे और बेल ले रही हूँ, और फिर पानी की सहायता से अंगूठे को हम सपोर्ट में रख के इस तरह से, और फिर इसका कोना बना लेंगे। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से ये समोसा बनके तैयार होता है। और आप है ना, ये समोसा हफ्ते भर भी स्टोर करके रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ख़राब होने वाला कोई सामान नहीं ऐड किया है। तो हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, और बस यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम समोसों को फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें समोसे को चलाना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे उलट पलट करते हुए हम पका लेंगे। तो पता है फ्रेंड्स, ये समोसा बनाने के लिए आपको किसी भी ओकेज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपका मन करे तब आप इसे बना के रख सकते हैं। हफ्ते भर ये बड़े ही आराम से चलता है। बस इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिससे इसको हवा ना लगे। और ये देखिए, हमारे गर्मा गर्म समोसे बनके तैयार हो गए। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना तभी इसे निकाल लेना है। और चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है, चाकू से भी नहीं कट रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये, और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना था। और मेरी रेसिपी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।